अगली खबर के रुख कर लेते हैं। अगली खबर सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर इसोले विधानसभा के अलीगंज बाजार में माननीय राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी का आगमन हुआ और कार्यकर्ता बैठक सम्मेलन का आयोजन हुआ। सांसद जी ने कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए कहा और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने को कहा और सुल्तानपुर के 5वीं विधानसभा में बीजेपी के परचम लहराने के लिए कार्यकर्ताओं में नए जोश और उमंग उत्साह का संचार किया, जिसके आयोजक रहे जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह त्रिलोक चंदी थे, जिसमें मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी उपस्थित रहे और साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष आर वर्मा, काशी क्षेत्र की महिला मोर्चा की महामंत्री बबीता तिवारी, धमौर मंडल प्रभारी पूनम शर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे, पूर्व राज्य मंत्री ओम प्रकाश पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह, बल्दी राय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, प्रदेश सह प्रकोष्ठ रामचंद्र मिश्र आदि नेतागण मौजूद रहे। नेताजी, आज आप आने का आशय किया 2022 के विधानसभा चुनाव में इसौली से भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत दिलाना और उसके लिए संगठन के कार्यों के साथ सहयोग करना, संगठन को जन जन तक पहुँचाने का काम, अपने सारे बूथ सेक्टर बूथ प्रभारियों से लेकर के पन्ना प्रमुख तक पूरे संगठन को जागृत करके चुनाव के लिए पूरी तरह से रणनीति बनाना। जैसे कि देखा जाता है सर, आपकी सरकार को एक गौपालक सरकार कहा जाता है, लेकिन आज ये हालत बन चुकी है कि चाहे जिले की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, जगह जगह सुल्तानपुर के गलियों में या उत्तर प्रदेश के गलियों में देखा जा रहा है कि प्रत्येक जगह पर एक गाय या एक पशु चोटिल मिलते हैं या मृत के रूप में मिलते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ये गाय कहीं सरकार की नहीं भेजी, ये हमारी सबकी गौपालकों की ही गाय जी। ये परंपरा बन गई कि हम जब तक गाय दूध देती तब तक उसको दरवाजे पर बांधते और जिस दिन दूध देना बंद कर देती उसे छोड़ देते हैं, तो उस समय हमारा कोई धर्म है कि नहीं? अगर हमने गाय पाली तो जब नहीं दूध होता है तब भी उसकी चिंता हमें करनी चाहिए, और अगर हम नागरिक लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो आज ये सड़क पर पशु नहीं होंगे। जैसा कि ये दुर्भाग्य है कि हम सब भारत माँ की संतान होने के बाद गौ हमारी माता है, बचपन से हमने ये सीखा है और उसके बाद उन गौओं के साथ अन्याय होने देते हैं। इसके लिए समाज को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। सरकार जगह जगह पर गौशालाओं का निर्माण कर रही है, व्यवस्था कर रही है, लेकिन उतनी ही संख्या में लोग दूध पीने के बाद गाय छोड़ दे रहे हैं। जहाँ बछड़ा हुआ उसी दिन से उसको छोड़ देते हैं, ये दुर्भाग्य है। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें सामाजिक चेतना की भी आवश्यकता है। जैसे कि देखा जा रहा है सर कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आवागमन भी सुल्तानपुर लगा रहता है, लेकिन ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जगह जगह पे बैठ जा रहा है, इसमें वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आप जान लीजिए, योगी जी की सरकार है जी, जहाँ कहीं भी वित्तीय अनियमितता होगी वो चाहे जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी, कोई छूटेगा नहीं। सारी चीज़ें योगी जी की जानकारी में, इसकी जाँच होगी और जहाँ कहीं भी घालमेल होगा वो जेल जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी, रिकवरी। सूत्र बताते हैं कि इसौली विधानसभा में अभी भी आपके प्रत्याशियों को व आपको जो है गुटबाजी का डर सता रहा है। आज आपने सुना हमारे कार्यकर्ताओं की भावना को जी, उन्होंने कहा हमारा प्रत्याशी तय हो गया जी, हमारा प्रत्याशी है कमल निशा जी। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने अपना प्रत्याशी कमल मान लिया जी, तो फिर चिंता गुटबाजी का है कि कमल पर तो किसी को संदेह नहीं जी, जो कमल लेके आएगा वही हमारा प्रत्याशी है, वही